तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर केसी ना 6th क्लास का यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का 3 का जी और वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे बोला है 4 घंटियाँ जो 3, 7, 12 और 14 मिनटों के अंतरालों पर बजती है, ठीक है। 1 घंटी 4 है और 1 घंटी 3 मिनट के बाद, 1 घंटी 7 मिनट के बाद और 1 घंटी 12 मिनट और 1 घंटी जो है वो 14 मिनट के बाद बजती है। ये चारों घंटियाँ 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती है। ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, बट इससे हम लोग पता करेंगे कि आगे कितना बजे बजेगा, ठीक है। तो ये 4 घंटे जो 12 बजे एक साथ बजता है, तो वो पुनः ये कब एक साथ बजेंगी, तो पहले इस पर फोकस करना कि 4 घंटियाँ जो है वो 3, 7, 12। सपोज यहाँ पे हम लोग इधर रफ में अगर समझे तो यहाँ पे 4 घंटियाँ हैं, हमने 4 घंटियाँ यहाँ पे इस प्रकार से इंडिकेट किया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 घंटियाँ, ये 3-3 मिनट के बाद। एक्चुअली क्वेश्चन में जो है ना वो आपका सेकंड साइड होगा, लेकिन सेकंड यहाँ पे नहीं होगा, वैसे आपको आंसर सही नहीं देगा। यहाँ पे मिनट ही होगा तभी आंसर सही देगा, यहाँ पे मिनट होगा। तो 1 3 मिनट के बाद बजता है, ये जो है 7 मिनट के बाद बजता है और ये जो है 12 मिनट के बाद बजता है और ये जो है 14 मिनट के बाद बजता है। तो 3 मिनट के बाद बजेगा, तो 3 मिनट हो गया जैसे बजेगा, फिर 6 3 मिनट बाद यानी कि 6 मिनट है ना, फिर 9 मिनट या फिर 12 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे ऐसे 18 मिनट, फिर 21 मिनट, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। फिर ये 7 मिनट में बजे ये घंटी, जब 7 मिनट वो होगा उसके बाद फिर 14 मिनट, 14 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42 7 49 7 49, तो ऐसा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग गुणज। आपको पता है ये 3 का गुणज, ये सारा ये 7 का गुणज है, मल्टीपल है। 12 तो 12 दूनी 24 में फिर बचेगा, फिर बढ़ती है 36 12 44 है ना, 12 मिनट में जैसे बचा, तो अगला 12 मिनट तो इसका 24 मिनट बाद ही मिलाकर 24 मिनट हो जाएगा ना। 12 36 12 44 52 60 और 12 6 72, अगला 12 मिनट 72 मिनट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर और भी आगे इसी प्रकार से ये घंटी बजता रहेगा। 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 5 70, 14 5 70, 14 6 84 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक साथ कब बजेगा, तो ये जो आप संख्या देख रहे हैं ना, इसमें कुछ तो ऐसा कॉमन होगा चारों में जो इसमें है। जैसे सपोज इसमें 21 है तो इसमें भी 21 है, तो जब यहाँ से 21 मिनट में आएगा ना, 3 ऐसा करके 3 6 3 3 9 3 6 12, फिर 12 मिनट बाद फिर 3 मिनट और होगा तो 15 मिनट हो जाएगा यहाँ से अगर देखे तो, फिर 21 मिनट, तो इसका यहाँ पर 21 मिनट हो जाएगा, चूँकि ये 7 मिनट पे बजता है। ये दोनों सेम बज एक साथ बजेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें कैश नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा संख्या इसी प्रकार से ढूंढना है जो सब में हो, चारों में हो। तो वो हम लोग कैसे पता करते हैं, चूँकि ये गुणज है और सबसे छोटा अपने को गुणज पता करना है, इसी को बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो एक जो सेम होगा चारों में और उस समय सभी एक साथ बजेंगे। सपोज यहाँ पे बोल तो रहा है कि 12 बजे एक साथ बजता है, तो आगे कितना बजे बजेगा, तो 12 बजे बजा तो 12:03 में ये बजेगा, फिर 4 मिनट होगा, फिर 5 मिनट होगा, फिर 6 मिनट होगा, तो ये बचेगा, ठीक है। अभी 3 मिनट में एक बजा, 12:03, फिर 12:06 में बजा और 6 के बाद 7 होगा, तो 7 में तो ये बजेगा ना, फिर इसी प्रकार से 8 होगा, 9 होगा, 9 में तो ये बजेगा, ठीक है, जैसे ही 9 होगा ये बजेगा, फिर 10 होगा, 11 होगा, फिर 12 होगा तो ये बजेगा, ठीक है, चूँकि 12 मिनट पर ये बजता है, फिर 13 होगा, फिर 12 में तो ये बज जाएगा, ठीक है, 12 में ये बजेगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा तो ये बजेगा, ठीक है, फिर 15 होगा, तो इस प्रकार से मतलब बजता रहेगा, लेकिन अपने को चारों में कॉमन जो है उसको ढूंढना है और इसके लिए अपने को LCM यानी चारों में जो है वो सेम होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इस प्रकार से पता करेंगे कि वो कौन सा मिनट है जिस मिनट में वो सेम टाइम में बजेगा, यानी सेम चारों घंटे बजेगा उस मिनट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 21वां मिनट में देख रहे थे यहाँ से, तो ये सेम टाइम में बज रहा था, सेम उसी प्रकार से। तो चारों घंटियाँ का अगर हम लोग समय देखें कि एक साथ कब बजेंगे, तो हमें इसके लिए LCM निकालना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग ब्लैक पेन का यूज करेंगे। तो ब्लैक पेन का यूज करेंगे ना, तो 4 घंटियाँ एक साथ कब बजेगी, तो 4 घंटियाँ लिखना चाहे तो लिख दे, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 4 घंटियाँ तीन
सात, बारह और चौदह का एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लसा। तो लसा इसका जो है ना चारों घंटियाँ, तीन, सात, बारह और चौदह का लसा मिनटों या मिनट के बाद, लसा मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखना है या फिर नहीं भी लिख सकते बट ऐसा लिखना सही होगा। चारों घंटियाँ तीन, सात, बारह और चौदह का लसा मिनट के बाद, यानी जो इसका लसा आएगा यानी इन चारों में कुछ कॉमन ज़रूर होगा। जैसे देख लेते हैं अभी एलसीएम निकाल कर, तीन है, सात है, बारह है और चौदह है। तो अगर इसका एलसीएम निकाले तो सबसे पहले दो सबसे छोटी संख्या है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या में तो दो से लगता है तो यहाँ पे तीन नहीं दो से कटता है, सात भी नहीं कटता है और ये छः दुनी बारह और सात दुनी चौदह। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम सबको आता होगा, छः सिर्फ दो से कटेगा लेकिन तीन से अगर काटे तो दोनों कट जाएगा, तीन भी और छः भी। तो ये हमारा होगा यहाँ पे एक तिया तीन, सात नहीं कटेगा वैसे ही रहेगा, दो तिया छः और यहाँ पे सात ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सात भी लग जाएगा, दो संख्या है तो एक का एक रहेगा, एक सते सात और दो का दो रहेगा, एक सते सात। अब अगर हम देखें सत्या का ऐसे गज दूनी बयालीस और बयालीस दूनी होता है चौरासी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बयालीस दूनी चौरासी हो गया, इसका एलसीएम अगर देखें यानी कि लसा, तो लसा बराबर हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू टू और इसको गुना करेंगे सत्याग्रह बयालीस दूनी चौरासी, यानी चौरासी मिनट के बाद लसा जो आया ना उस मिनट के बाद। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे ऐसे अभी लिखेंगे चारों घंटे चौरासी मिनट के बाद बजेंगे, लेकिन चौरासी मिनट ये तो पता होगी हमने ऊपर भी लिखा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि चूंकि चार घंटियां, यहाँ पे ऊपर में बोल रहा था ना कि चार घंटियां बारह बजे एक साथ, बारह बजे वहाँ पे एक आपको दिया हुआ है ना कि एक साथ बजता है। ठीक है, बारह बजे एक साथ बजता है यानी बजना आरंभ करती है। तो इसके बाद यानी देखो ऐसा नहीं कि कॉमन यही होगा, इसके बाद भी तो चौरासी मिनट फिर होंगे उसके बाद से स्टार्ट। ठीक है, तो एक साथ फिर बजेंगे और बजेंगे, जब भी ऐसा ऐसा समय चौरासी मिनट बाद सभी घंटी बजेंगे तो हर बार बजेंगे। तो ये बारह जो है ना बारह बजा, तो बारह बजे के जो चौरासी मिनट बाद है ना वो फिर चारों घंटियाँ बजेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको दिया हुआ कि 12 बजे एक साथ बजता है, तो आपको यहाँ से 12 बजे बजता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद कब बजेगा तो हमें ये पता हो गया कि चौरासी मिनट बाद बजता है साथ, तो चारों घंटियाँ एक साथ बजता है। तो चौरासी मिनट बोले तो क्या, देखिए चौरासी मिनट आप यहाँ पर रफ में भी कर सकते बराबर एक घंटा, यानी एक घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट हमने हटाया और फिर 24 मिनट बजेगा, 60 हटाएंगे तो 60 बीस 80 और 84 होता है 24 मिनट, यानी इतना मिनट बाद। ठीक है, इतना मिनट बाद, इसलिए 12 से अगर हम देखें एक घंटा 24 मिनट बाद तो 1:24, इसलिए चारों घंटियां 1:24 पर बजेंगी। तो ये हमारा फाइनली यहाँ पे आंसर हो जाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।